उज्जैन के विकास की राह खोलने वाले मेडिकल कॉलेज की डीपीआर और क्वालिटी कंट्रोल के लिए 6 करोड़ का टेंडर खोला गया है। जल्द ही इंदौर रोड के हरी फाटक के पास की जमीन पर मेडिकल कॉलेज आकार लेगा। अभी तक मेडिकल कॉलेज की सुविधा से वंचित उज्जैन में 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो सकेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज की डीपीआर व क्वालिटी कंट्रोल के लिए पीडब्ल्यूडी की प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट यूनिट ने करीब 6 करोड़ का टेंडर भी जारी कर दिया है। पीआईओ के कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह के अनुसार कंसल्टेंट नियुक्त होने के बाद मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की ड्राइंग डिजाइन व मौखिक स्थिति के अनुसार एस्टीमेट आदि बनाए जाएंगे। हरी फाटक मार्ग स्थित करीब 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग हॉस्टल व अस्पताल आदि का निर्माण होगा। इसके लिए 268 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। हालांकि इसका बजट बढ़कर करीब 300 करोड़ होने की उम्मीद की जा रही है। उज्जैन में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य किया जाना है उसके लिए विभाग द्वारा पीएमसी का टेंडर लगा दिया गया है और पीएमसी का टेंडर में 4 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है, जिसकी स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। पीएमसी नियुक्त होते ही फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा। ये कहाँ बनना है, उसके लिए क्या क्या जमीन चिन्हित? अभी वर्तमान में इम्पीरियल होटल के पास में खुली शासकीय भूमि चिन्हित की गई है, जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। कितना का प्रोजेक्ट रहेगा और किस प्रकार के इसमें अभी लगभग करीबन 300 करोड़ के प्रोजेक्ट का अनुमान है। उसके बाद भूमि की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है प्लानिंग के दौरान।